इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अमेजिंग मैन, एब्सोल्युटली अमेजिंग मैन। और कुछ चीज़ों के ऊपर उनकी जो फिलॉसफी है वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, क्योंकि वो मेरी जो फिलॉसफी गुजरी है उसके बहुत बरक्स है, और मुझे ऑपोजिट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे होमोजेनी बिल्कुल। आई वाज लिटरली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम योर साइड। ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई रियली एंजॉय व्हाट ही हैज टू से। यस ही इज। और मुझे तज़ादात बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, कि मैं कुछ और कह रही हूँ, दूसरा इंसान कुछ और कह रहा है। और ऑल्दो मुझे लगता है कि मेरी और उनकी अग्रीमेंट है 99.99% चीज़ों के ऊपर। देखिए, मेरे बारे में जो कुछ कहा गया है ना, वो और जो मैं सोचती हूँ, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने खुद जो कुछ कहा है बहुत से अपने पिछले पॉडकास्ट के ऊपर, वो मैंने एज ए कमेडियन कहा है, वो मेरी मैडम एक्ट की है, वो एक एक्ट के अलावा एक्ट भी है, और वो मेरी कॉमेडिक एक्ट है कि जी मैं अपनी कॉमेडी एक्ट को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। मेरी डर्टी कॉमेडी हुआ करती थी, मैं खुद एक पर्सपेक्टिव से आ रही हूँ उसके अंदर। मुझे परफॉर्म करना है तो मुझे शुमाइला भट्टी परफॉर्म करनी है, या मुझे पुदीना चटनी परफॉर्म करनी है। और अब मौलवी तो मैं बल्कि नहीं कहना चाहूँगी, मैं इसको बोलनी चाहूँगी इंग्लिश मीडियम राइट विंगर्स या इंग्लिश मीडियम सलाफीज, वो जो कि मेरे ख्याल से चेहरा है झूठ का इस वक्त। अगर मुसलमान कौम के अंदर अगर हम लोगों ने झूठ को सिग्निफाई करना हो ना, तो वो तबका है। अच्छा, क्या एक खास बात है इंजीनियर साहब की, अगर स्पेसिफिक कर दे तो? आई थिंक ही उनका फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट प्रोसेस, जिस तरीके से वो थॉट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छी है। नंबर टू, अगर उस थॉट प्रोसेस की मैं हिस्ट्री में जाऊँ, यानी कि अगर एक इंसान की मैं सोच को देखूँ ना, तो मुझे ये भी देखना है कि ये सोच किस इलाके में, किस दौर में पैदा हुई है, आजकल के दौर में जहां पे पोलराइजेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। एक वीडियो आप टीज़र के तौर पे वीडियो के शुरू में मुलाहिज़ा कर चुके, दरअसल इसी वीडियो के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया जो आप देख चुके, और उसके अंदर उन्होंने वही काम किया जो उन्होंने एक दफ़ा उससे मिलता जुलता काम एक मुल्हिद की भी तारीफ के अंदर या मुल्हिद को भी सपोर्ट के हवाले से एक दफ़ा वीडियो में कमेंट करके आए। वो भी अगर आपको वीडियो चाहिए हुई तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा एज सबूत के तौर पे, ताकि आपको यकीन आ जाए। तो इसमें ये मामला हुआ कि इस औरत या बंदे या आई डोंट नो इसको हम क्या कहें, का कहें, की कहें, तो इसलिए उसके लिए पेशगी माजरत है। तो मेहरू मिर्ज़ा ने इंजीनियर साहब की तारीफ़ के पुल बांधे और मिर्ज़ा साहब ने उनकी तारीफ़ कर दी। अब इंजीनियर साहब को और उनके मुखल्लिदीन को या उनके लवर्स को या उनके फैंस को या उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स को आज हम इस वीडियो के थ्रू दावत इस्लाह देने जा रहे हैं कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म होल्ड करते हैं जिस पे आप कुरान और सुन्नत का लेबल लगाते हैं, और फिर उसके साथ जब आप इस तरह की अंदर प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें मैरूब जैसी, और आप उसको कहें कि माशाल्लाह, आप कमेंट चेक कर लें इंजीनियर साहब का, उनकी वीडियो पे लिखा हुआ है माशाल्लाह कीप ऑन प्रीचिंग इस्लाम विदाउट एनी सेक्टेरियनिज्म जो भी है, मे अल्लाह गाइड ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स द पाथ ऑफ ट्रुथ, आमीन। माई सलूट फॉर ऑल द ट्रुथ लवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी एक जनरल स्टेटमेंट भी है, और आप ये सोचिए ऐसी स्टेटमेंट जब आप किसी ऐसे बंदे या बंदी के ऊपर जाके दे रहे हैं जो आपकी तारीफ कर रही है, और आप ये लोगों को शो कर रहे हैं कि जनाब वो कोई, उसने इसकी तारीफ कर दी है मिर्ज़ा साहब की, तो वो जैसे कोई इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत हो गई है। यानी क्या इंजीनियर साहब और उनके मुकल्लिदीन बताएं कि ये क्या इस्लाम की खिदमत है? अभी आगे चल के हम थोड़ी सी वीडियोस दिखाते हैं इसी शख्सियत की जिसको इंजीनियर साहब ने कमेंट के अंदर बड़ा प्रेज किया है, और जी कीप ऑन प्रीचिंग इस्लाम विदाउट एनी सेक्टेरियनिज्म शो किया है। तो कौन से इस्लाम की प्रीचिंग कर रहा है ये बंदा या बंदी जिसको आप प्रेज करके आ रहे हैं? तो आइए ज़रा आपको इसका एक और भयानक चेहरा दिखाते हैं, और आप खुद फैसला कर लीजिए, कमेंट्स में बता दीजिएगा क्या ये कौमे लूत है या कौमे लूत से भी कोई गिरी हुई चीज़ है जिसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, बजाय इसके कि इंजीनियर साहब या उनके मुखल्लिदीन या कमेंट करके आते कि आप जो है ना वो इस्लाम की तरफ हम आपको दावत देते हैं, आप इस्लाम के हवाले से हमसे कुछ सीखें समझें, हम आपको इंशाल्लाह ताला आपको कुरान और सुन्नत की दावत देंगे। तो लेकिन उसकी बजाय इन्होंने कमेंट प्रेज का किया। तो आइए ज़रा मेहरूब अजीज़ को चेक करें कि ये क्या बंदा है या बंदी है या ट्रांसजेंडर है, गे है या लेस्बियन है, क्या है वो, आप ज़रा उनकी बातें सुने, फिर उसके बाद हम आके भी कुछ आपको कमेंट्स भी दिखाते हैं कि इंजीनियर साहब के मुगल्लिदीन में से कितने लोगों ने इंजीनियर साहब को क्या कहा और क्या नहीं कहा। तो आइए जरा पहले इनकी वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। मेरे साथ बंदूक रख के मुझे गोली चला के फिर पूरा बना दी
केस को फिर बुरा भला कह दूंगी बिकॉज़ मैं खुद ही बहुत ज्यादा गे रही हूं ट्रांस पर्सन आई एम सेइंग ठीक बनाओ आई एम नॉट ट्रांसजेंडर सो ऑल ऑफ अस आर ट्रांसजेंडर ऑल ऑफ अस आर पॉलीजेंडर नॉट अ वुमन आई एम अ खुसरा पाते हुए देखा है और ये कहते हुए सुना है कि अंदर लेते हुए तो इतना दर्द नहीं हुआ तो बाहर निकालते हुए दर्द क्यों हो रहा है चलो जी वही चल I was the pawn supplier of my college. I am admitting this on camera. Which is. आप ये वीडियो आम कराएं। हम आप सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी मारिया भी आपको दिखाना चाहते हैं कि आपकी औकात क्या है। अगली बारी हमारी सलवार में घुसे तो हम तुम्हें चौक में नंगा करेंगे। Except once you go brown, we will always let you down. So काला लोड़ा बाहर आ गया। Excuse me, Corona. So I really want to open a sex center जहाँ अपने लोगों को पहले से उनके interviews वगैरह करके और test वगैरह लेके और अच्छे तरीके से match करके और फिर उनकी audience बनाई करो। I love church. Yeah, but weed or hash? I consume everything that is marijuana. Everything. I'm a very big proponent of legalizing marijuana as well. Yeah, I was part of the DC policy reforms. Now, DC ke andar later on, hum log pushes kar rahe the Washington DC ke andar to legalize cannabis. Tumne yaar. Oh my God, jal rahi hu main. Jahannam ki aag mein. So, jab log kehte hain ki Islam is against homosexuality, I tell them this is an illogical and technically non-sound argument. Because for Islam to be against homosexuality, Islam needs to absolutely define the gender binary which it is. Yeah. I would pin you against a wall. I would make out with you. I would open the button of your pants. I would slide. Usman ka dusra haath gayab ho chuka hai. I would finger you like the little nasty bitch that you are. Usman ka bhai dekh. Okay, Moi, you know what? Moi, I will bite your spine. I will go down. I will eat your ass. I will eat it till you moan and till you beg to fuck me. No, fuck you, fuck you as well. Like, I'm good at blowjobs, but I'm amazing at eating ass. I think I'm a really good dog. I've been given good compliments. I think I'm really good at orals. I think I'm really good at French kissing, which I've been... In my... Gay men have 10 times better looking dicks than straight men. Really? Yeah, I believe it. I thought all dicks are ugly, like... No, do that because they're not circumcised. Yeah, and I've dated one who wasn't and had a very clean down there another region. और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो पाक बनना चाहते हैं तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया मगर उनकी बीबी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ जी तो आप इस शख्सियत की वीडियो मुलायजा कर चुके जिसको इंजीनियर साहब अपने कमेंट्स के ज़रिए से सपोर्ट करके आए थे तो अब आप इंजीनियर साहब से उनके मुखलदीन से ये हमारा सवाल है कि आप ख़ुद फैसला करें कि ये क्या चीज़ थी जिसको इंजीनियर साहब ने सपोर्ट किया या उसको प्रमोट किया अपने कमेंट के ज़रिए से अब हम आपको कुछ वो कमेंट्स दिखाते हैं जिसके अंदर मिर्ज़ा साहब को कुछ लोगों ने उनकी इस्लाह की भी कोशिश की मिसाल है कमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हाँ हाँ इंजीनियर साहब यू प्रमोट हिम बिकॉज ही प्रेज यू बिकॉज यू बोथ हैव कॉमन एनिमी कैसर अहमद राजा फॉर अल्लाह सेक डोंट प्रमोट हिम जस्ट बिकॉज ही मेंशन योर नेम ही इज टोटली मिसगाइडेड आवर नेशन ठीक है आगे भी कमेंट है कि मैं रूप जो क्लियरली एक ट्रांसजेंडर है एक अगर उसने इंजीनियर साहब को अप्रिशिएट किया है फिर भी प्लीज़ उनको प्रेज ना करें ये इंजीनियर साहब को लोग समझा रहे हैं इस हवाले से ठीक है ये शख्स हर उस काम को प्रेज करता है जिसे इस्लाम ना करने से मना इस्लाम ने मना करने से मना किया है ये कौमें लूत वाले कौमों को भी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है ठीक है तो आप ये कुछ कमेंट्स देख लें जो लोगों ने इनको समझाने के लिए किए और भी आगे कमेंट्स आपको दिखाते हैं अच्छा मेहरूब अजीज़ का एक और आपको इस पे थोड़ा सा कमेंट दिखाते हैं जो इसी वीडियो का एक हिस्सा था जो हम पहले नहीं चला सके अभी हम दोबारा वो वीडियो का वो हिस्सा भी चलाते हैं फिर उसके ऊपर भी बात करते हैं डिलिबरेट हम लोगों ने एक सुन्नी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की है इन ऑपोजिशन टू शियत इन ऑपोजिशन टू द लव फॉर अहले बैत यह हमें वाजह तौर पर नजर आता है मैं झूठ नहीं कह रही पाकिस्तान में स्पेसिफिकली पोस्ट 1980s पोस्ट ज़िया ये पॉलिटिकल टूल रह चुका है उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का सामने आना और ये कितनी दरमियान की बात करना
और दरमियान की बात भी ऐसी नहीं कि मैंने इधर का भी थोड़ा सा उठाया, इधर का भी थोड़ा सा उठाया। और मैंने उस ट्रिप वो तो दरमियान से आपकी क्या मुराद? दरमियान से मेरी मुराद यह है कि वो कैसे एक सुन्नत या कि वो सुन्नी होने के बावजूद वो कैसे अहले बैत की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो कैसे मौला की बात करते हैं। तो यानी कि दैट इज ब्रिलियंट, दैट इज पाथ। तो आपने देखा कि वो कह रही है कि इन्होंने बड़ा बैलेंस किया है, और शियों के हवाले से और सुन्नियों के हवाले से और इस हवाले से मौला का जिक्र किया है। तो भाई आप अगर महरूब अजीज साहिबा या साहिब, अगर आप अहले बैत के इतने चाहने वाले हो, इतना उनसे लव करते हो, तो आप अहले बैत वाला हुलिया क्यों नहीं बनाते अपना? क्या अहले बैत ने वो गंदी लैंग्वेज यूज़ की जो आप अभी हम पहले दिखा चुके? क्या कौम लूत को अहले बैत ने सपोर्ट किया? क्या बंदे बंदे के साथ करने का या बंदी बंदी का करने का इसको सपोर्ट किया अहले बैत ने? या अली मिर्ज़ा इसकी सपोर्ट करता है जिस बंदे को आप ये इस हवाले से फैंटास्टिक कह के सपोर्ट कर रही हैं? तो बहरहाल अल्लाह ताला इंजीनियर साहब को भी और ये महरूम अजीज मोइज़ भाई या बहन को भी या फिर पता नहीं क्या चीज़ है ये, तो इसको भी अल्लाह ताला हिदायत दे और इनको इस्लाम के ऊपर आने वाला बनाए। और इंजीनियर साहब को हम आखिरी गुजारिश करते हैं, उनके लिए दुआ भी करते हैं कि इंजीनियर साहब जो बंदा भी इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ या फिर पाकिस्तान के अंदर शरीयत के ख़िलाफ़ कोई साजिश करने के अंदर मसरूफ़ होता है, तो आप क्यों पहुंच जाते हैं अपनी सपोर्ट के लिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए से सपोर्ट करने के लिए? तो खुदारा ऐसा काम ना करें कि जिससे आपकी भी जलालत हो और बाकी मुसलमानों को भी के भी दिल दुखें जो आपके बड़े फॉलोअर बनते हैं और आपको कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर या कुरान और सुन्नत के धोखे के नाम के ऊपर आपको पसंद करने लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको इस मामले के ऊपर हिदायत दे और महरूब अजीज मोइज़ साहब को भी या साहिबा साहिबा को भी इस मामले में हिदायत दे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।